छत्तीसगढ़ की, जहां छत्तीसगढ़ में नई सरकार आ गई और निगम मंडल बोर्ड और आयोगों की नियुक्तियां रद्द कर दी गई। हालांकि निगम मंडलों के कुछ लोगों ने सत्ता बदलने के साथ इस्तीफा दे दिया, लेकिन कई निगम मंडलों में अभी भी मनोनीत सदस्य बने हुए हैं। सरकार के इस आदेश के बाद उनको भी इस्तीफा देना होगा। हालांकि इस आदेश के बाद पद छोड़ने को लेकर सियासत शुरू हो गई है। प्रदेश महिला आयोग के अध्यक्ष किरणमयी नायक ने पद नहीं छोड़ने का ऐलान किया। उन्होंने अपना कार्यकाल 2.5 साल बाकी रहने की बात कही है। तो पिछले वर्षों में जो राजनीतिक नियुक्तियां की गई उन्हें विधि के अधीन हटाए नहीं जा सकता। उन्हें छोड़कर बाकी सभी राजनीतिक नियुक्तियों को तत्काल ही प्रभाव से समाप्त किया गया है। इन इस्तीफों में छत्तीसगढ़ खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष हैं, वहीं रायपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष समेत कुछ अन्य निगम मंडल में अध्यक्ष उपाध्यक्ष समेत अन्य निगम। प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद कुछ नेताओं ने स्वयं ही इस्तीफा दे दिया तो कुछ नेता अभी भी पदों पर बने हुए हैं। ऐसे में सामान्य प्रशासन विभाग ने विभागों को पत्र जारी करते हुए पुरानी नियुक्तियां समाप्त करने के आदेश दे दिए हैं, लेकिन अभी तक कुछ ऐसी नियुक्तियां हैं जहां पर विधि विधान के तहत आपको बता दें कि अभी भी वो पद पर बने रह सकते हैं। गौरव शर्मा ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, जिस तरह से बात करें, फिलहाल राजनीतिक नियुक्तियां जो की गई हैं उन्हें विधि के अधीन तो हटाया नहीं जा सकता, लेकिन और कौन कौन से ऐसे पद हैं जिन्हें हटाया जाना है और जिन पर विवाद हो रहा है? निगम मंडल बोर्ड प्राधिकरण और आयोग में नियुक्तियां की गई थी, राजनीतिक नियुक्तियां थी, लेकिन इनमें से आयोग जो होते हैं उसमें संवैधानिक और न्यायिक शक्तियां प्राप्त होती हैं जो भी पदाधिकारी होते हैं उनको, इसलिए उनको विधि के अधीन हटाने के लिए जो प्रक्रियाएं होती है वो अलग होती है, तो उसको नहीं हटाया गया है। लेकिन जो निगम मंडलों में पदाधिकारी है उनको हटा दिया गया, उनकी नियुक्तियां रद्द कर दी गई है। तो इस आदेश के साथ ही पाठ्य पुस्तक निगम, ब्रेवरेज कारपोरेशन समेत तमाम ऐसे जो निगम मंडल हैं जहां पर राजनीतिक नियुक्तियां की गई थी, बड़े पदाधिकारी कांग्रेस के नियुक्त किए गए थे, बड़े नेता नियुक्त किए गए थे, उनको हटा दिया गया है। हालांकि आयोगों की भी अगर बात की जाए तो अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की बात करें या अल्पसंख्यक आयोग की बात करें, इनके जो अध्यक्ष हैं या पदाधिकारी, इन्होंने सरकार बदलने के साथ ही इस्तीफा दे दिया था, लेकिन इनमें से एक नेता ऐसी हैं किरणमयी नायक जिन्होंने अब तक इस्तीफा नहीं दिया और उन्होंने दो टूक लहजे में कह दिया कि वे अपना कार्यकाल पूर्ण हुए बगैर इस्तीफा नहीं देंगी। 2.5 साल का उनका कार्यकाल शेष है, तो कहीं ना कहीं जो सियासत है वो अब राज्य महिला आयोग के इर्द गिर्द होती नजर आ रही। हालांकि पिछली बार भी ऐसी ही स्थिति ओबीसी आयोग में देखने मिली थी जब सियाराम साहू ने अपना कार्यकाल खत्म हुए बगैर इस्तीफा देने से इनकार कर दिया था। जी गौरव, लेकिन ये समझना चाहेंगे कि महिला आयोग के अध्यक्ष किरणमयी नायक का आपने जिक्र किया है और इनका कार्यकाल 21 जुलाई को समाप्त हुआ था, लेकिन इनका कार्यकाल बढ़ाया गया था। और ठीक इसी तरह पर अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष की बात करें महेंद्र छाबड़ा, इनका भी कार्यकाल बढ़ाया गया था, यानी करीब 1 साल का भी बचा हुआ है। तो अब किस तरह की पेंच फंसेंगे इनमें? देखिए, महेंद्र छाबड़ा की जहां तक बात है, हमने महेंद्र छाबड़ा से कल ही बातचीत की थी, उन्होंने कहा कि उन्हें सरकार बदलने के साथ ही उन्होंने अपना इस्तीफा भेज दिया है। अन्य जो आयोग है, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के भी अध्यक्ष है जो थानेश्वर साहू, उनसे भी हमने बातचीत की, उन्होंने भी अपना इस्तीफा भेज दिया था, काफी पहले ही उन्होंने अपना इस्तीफा भेज दिया था। तो कहीं ना कहीं सरकार बदलने के बाद में जो निगम मंडल बोर्ड प्राधिकरण आयोग के पदाधिकारी थे वो लगातार इस्तीफा दे रहे थे। लेकिन जहां तक बात किरणमयी नायक की, तो उन्हें संवैधानिक और न्यायिक शक्तियां भी प्राप्त है राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष पद के नाते, तो उन्होंने इस्तीफा देने से मना किया है। उन्होंने कहा है कि वे अपना कार्यकाल पूरा करेंगी और चूंकि उनको जो संविधान प्रदत्त शक्तियां हैं वो उनको इस्तीफा देने से रोकती है और ऐसे में अपना काम वो लगातार जारी रखेंगी। तो अपना काम वो लगातार जारी रखेंगी, मेरा कार्यकाल फिलहाल 2.5 साल बाकी है उनका कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव तमाम जानकारी के लिए। तो राजनीतिक नियुक्तियां की गई जो विधि के अधीन हटाई नहीं जा सकती, उन्हें छोड़कर बाकी सभी जो राजनीतिक नियुक्तियां हैं उन्हें तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया जाएगा।